पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ऐलान, पाकिस्तान को बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने गुजरात से भरी हुंकार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का गुजरात के अहमदाबाद में कार्यक्रम चल रहा है। बिहार के बाद गुजरात पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने गुजरात से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने के साथ साथ पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा ठोक दिया है। मेरे बागेश्वर धाम के पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने अहमदाबाद से पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हुए कहा, जैसे आप लोग गुजरात में बाबा बागेश्वर की कथा सुनने यहाँ लाखों की तादाद में आए हैं, अगर वैसा ही समर्थन पाकिस्तान के हिंदुओं का मिल जाए तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी बाबा बागेश्वर की धूम होगी और पाकिस्तान एक बार फिर भारत का हिस्सा बनकर हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरे बागेश्वर धाम के पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते नजर आते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि वह भारत को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बना करके ही दम लेंगे और भारत के लोगों का कल्याण भी इसी चीज में है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। वहीं समझने वाली बात ये भी है कि मौजूदा सरकार लगातार बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का साथ तो दे ही रही है, साथ ही YZ सुरक्षा देकर उनके हौसलों को मजबूत भी कर रही है। गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हम ना तो तुम्हारे पास धन लेने आए हैं, ना हम तुम्हारे पास सम्मान लेने आए हैं, हम तो अपनी जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं। मेरे बागेश्वर धाम के पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। जबकि समझने वाली बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक और सर्वधर्म सम्मान की रीत पर चलने वाला और संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला राष्ट्र है। यहाँ हर एक धर्म को बराबर का सम्मान है। ऐसे में सिर्फ एक विशेष धर्म की बात करना और लोगों को उकसाना बेशक संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने जैसा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।